हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हालचाल है? उम्मीद है कि आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। अगर अच्छे नहीं हैं तो आज ज़रूर से अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि आपने ट्यून इन कर लिया मेरी प्यारी सी वीडियो। आज हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं, वो है क्वालिटी समय स्पेंड करना अपनी फैमिली के साथ। दूसरा है कि नेचर को इन्जॉय करना। आपको पता है कि हम लोग कैलगरी कनाडा में रहते हैं, और जैसे ही कनाडा में ठंडी का मौसम अप्रोच कर रहा है, हमें जल्दी जल्दी हमारा मिशन हो गया है ज़्यादा से ज़्यादा समय आउटडोर स्पेंड करने का। हम लकी हैं कि कैलगरी में सन बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलता है, एंड सन आपको एक बहुत ही पॉजिटिव एंड मज़ेदार एनर्जी देता है। सन आपका मूड ऐसे बूस्ट कर देता है कि आप हैप्पी हो जाते हैं, ज़्यादा प्रोडक्टिव फील करते हैं। आप नोटिस करेंगे कि जिस दिन सनी डे होता है आप ज़्यादा चीज़ें कर पाते हैं, जिस दिन ग्लूमी होता है आपको लगता है कि आज आपका छुट्टी का दिन है। सन इतना इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। सो इस एक्सप्लोरेशन की जर्नी में मैं आपको अपने साथ लेके जाने वाली हूँ। सो आज हमने डिसाइड किया है हमारे एक नज़दीकी पार्क में जाने के लिए। आज हम कोई बहुत एडवेंचरस ट्रिप नहीं मारने वाले हैं, बस बेसिक नेचर में समय स्पेंड करेंगे। नेचर में एक ताकत है आपके, आपके दिल को कैप्चर करने के लिए कुछ अलग सा आकर्षण होता है। एंड हम लोग स्पॉइल्ड हैं कि हमारे पास बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग ब्रेथ टेकिंग लैंडस्केप्स हैं। रॉकी माउंटेन्स हैं, सरीन पार्क्स हैं, एंड वी आर सराउंडेड विद अ ब्यूटी। हम किसी भी तरफ चले जाएं आपको खूबसूरती ही मिलेगी। सो अगर आप कनाडा में रहते हैं एंड आपने कैलगरी अभी तक नहीं देखा है तो ज़रूर से देखें, आपको बहुत खूबसूरत लगेगा। अगर आप यहाँ पे मूव होने के लिए सोचते हैं वो भी बहुत अच्छी ऑप्शन है। काफ़ी सारी बेनिफिट्स हैं कैलगरी में मूव होने के। एंड आप मेरे हस्बैंड को कांटेक्ट कर सकते हैं, वो रियल एस्टेट में जॉब करते हैं, तो वो आपको कैलगरी में घर ढूंढने के लिए मदद कर सकते हैं। उनकी कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूंगी। जब हम आउटडोर्स समय स्पेंड करते हैं, जब हमारे पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं होती या हमारा ब्रेन को कैप्चर करने के लिए कोई और चीज़ नहीं है, तो आप एक दूसरे के साथ ज़्यादा बातचीत करते हैं, ज़्यादा एक दूसरे के बारे में आपको पता चलता है, एंड इस तरह आप कोर मेमोरीज़ क्रिएट करते हैं। कई मेमोरीज़ हमारे दिल में इस तरह बस जाती हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि वो हमेशा हमें याद क्यों आती रहती हैं। तो आपके लिए ऐसी मेमोरीज़ क्रिएट करना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बच्चों के साथ, ताकि आपका जो बॉन्ड है वो ज़्यादा स्ट्रांग हो पाए एंड उनके पास चीज़ें हों याद करने के लिए। क्योंकि जब आप घर में हैं, आप टीवी पे हैं या फ़ोन पे हैं, आप लोग अपने आप को ऐसे ब्लॉक करके रखते हैं कि हम एक दूसरे को जान ही नहीं पाते। आजकल हमारे पास इतनी ज़्यादा चीज़ें हैं कि खाली समय हमारे पास है ही नहीं। खाली समय बहुत इम्पॉर्टेंट है आपको काम करने के लिए और आपके अंदर के सेल्फ को सुनने के लिए। आपको पता ही नहीं चलता कि आपके अंदर क्या चलता रहता है, ये बाहर का शोर आप अपने अंदर की आवाज़ को दबा देते हैं। सो वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। नेचर एक अमेजिंग रोल प्ले करती है ऐसे सीन में। अभी नेचर में जब आप घूमते हैं, वो आप नेचर में फ्रेश एयर में घूमते हैं, वो आपकी बॉडी के लिए ही अच्छा नहीं है, पर आपके माइंड को भी क्लियर कर देता है। आपको साफ दिखने लग जाता है कि एक्चुअली कितना ग्रेटफुल हैं आप। घर में बैठ के या कंपैरिजन करके जेलस हो के आप बहुत सारी स्टोरीज मनगढ़ंत बनाते रहते हैं अपने दिमाग में, पर नेचर ये चीज़ें क्लियर कर देती है। एक अलग सी पावर है नेचर में। सो ज़रूर से नेचर में समय स्पेंड करा करें। ब्यूटिफुल समर का दिन है, एंड ये जो फिश क्रीक रिवर है, यूजली पानी होता है इसमें, पर इस बार मुझे लगता है गर्मी नॉर्मल से ज़्यादा थी तो पानी सूख चुका है, पर फिर भी बहुत खूबसूरत है एंड बहुत पीसफुल। नेचर में एक अलग सा आकर्षण है, अलग सा पीस है। एक नेचर में समय स्पेंड करने से आप बहुत ही ग्राउंडेड एंड काम फील करते हैं, ऐसा लगता है कि घर पहुंच गए। है रोज़ की हसल बसल से दूर, शांत चुप, चिड़ियों की आवाज़ में रिकनेक्ट करने के लिए, क्योंकि एक्चुअल में हम लोग अर्थ का ही एक हिस्सा हैं। और जब आप वैसी जगह पे जाते हैं तो आपको लगता है कि यू बिलोंग टू दिस प्लेस। ये हेल्दी हार्ट, हेल्दी बॉडी एंड हेल्दी माइंड को मेंटेन करने के लिए बहुत अच्छा है, एंड आपको अलाउ करता है अनवाइंड करने के लिए एंड रीचार्ज करने के लिए, एंड आप रीचार्ज हो जाते हैं और चीज़ें करने के लिए। इसको अपनी ज़िंदगी का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा बना लें दोस्तों, मज़ा आएगा आपको।
अभी सीज़न चेंज होने वाला है, जैसे हैलोवीन आएगी तो ये फॉल की ब्यूटी दिखने के लिए मिलेगी। अभी ये पेड़ों के रंग चेंज हो जाएंगे, बहुत एक्साइटेड हूँ मैं वो देखने के लिए। तो उससे पहले जितना भी हम आउटडोर समय बिता सकते हैं वो हम ज़रूर से करेंगे। नेचर एक परफेक्ट प्लेस है माइंडफुलनेस के लिए, वो आपको इनवाइट करती है प्रेजेंट होने के लिए, राइट नाउ, ब्रीथ एंड अप्रिशिएट द सराउंडिंग्स। ये सिर्फ आपकी फिज़िकल हेल्थ के लिए या फिज़िकल प्रेजेंस के लिए नहीं, ये स्पिरिचुअलिटी के लिए भी बहुत प्यारा है। ये आपको याद दिलाता है कि दुनिया या ये वर्ल्ड, ये खूबसूरती कितनी अमेजिंग एंड मजेस्टिक है। ये आपकी सोल को अंदर तक नरिश कर देता है। सो आप अगर हाइक कर सकते हैं रॉकी माउंटेन्स पे, या फिर ऐसे ही लेजरली वॉक करें लोकल पार्क में, सिंपली एडमायर करें चेंजिंग कलर्स ऑफ लीव्स, स्पेंडिंग क्वालिटी टाइम विद योर ब्यूटिफुल फैमिली इन नेचर, मिजरेबली फेल्ड। दोस्तों मुझे समझ में नहीं आ रहा, आई डोंट नो हाउ टू प्ले विद दीस। मेरे आई टेनिस अबाउ नहीं बच्चा लिया टेनिस ये भी मुझे आई डोंट नो गाइस, ये काम नहीं करता, ये बॉल लाइट है एंड ये थोड़ी हैवी है। इट्स एक्चुअली टेनिस, या इट्स किड्स टेनिस और हम इसमें भी फेल हो चुके हैं। इट्स नॉट किड्स टेनिस, दिस बॉल हर्ट्स मी, लुक। आई डोंट नो right? Stay hydrated, sunny day. You guys can play if we are leaving. Oh, you guys, they're saying that they reserved this place. Huh? Like, that's the only thing that could be reserved, right? They're trying to, like, कि पार्क में बच्चे प्यारे से प्ले कर रहे थे, तो लोगों ने उनको कहा कि यहाँ पे मत प्ले करो, हम यहाँ पे पिकनिक मना रहे हैं। तो हम लोग ने उसको बच्चों को कहा कि ये पार्क सभी की सांझी है, पब्लिक प्लेस है, यू गाइस कैन प्ले। कुछ लोग थोड़े अजीब होते हैं, उनके अंदर थोड़ा एंगर ज़्यादा ही होता है और वो अपने आसपास भी वही चीज़ बांटेंगे जो उनके अंदर है। सम लोग पैदा ही कैरन हुए हैं पर वो अपने आप को चेंज कर सकते हैं अगर करना चाहे तो। You check your phone after a long time. Notification. No notifications. Disappointment. That's very normal life for me. No notifications. Duniya mein Karen bahut zyada hai. सो बहुत सारे दिन हो गए हैं कि हमने इंडियन ग्रॉसरी से शॉपिंग नहीं की है, तो हम अब पार्क से डन हैं। तो हमने सोचा कि क्विकली एक ट्रिप लगाते हैं एंड जो चीज़ें हम लेना चाहते हैं ले लेते हैं।
ये हमारे पास एक प्यारी सी छोटी सी क्यूट सा इंडियन ग्रॉसरी का स्टोर है। इसमें इंडिया की सारी सब्जियां भी मिल जाती हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, बट हर बार मेरी पसंद की नहीं होती। सो जैसे आज जब इंडियन ही फ्रेश नहीं है तो मैंने नहीं लिया है, तो वही चीज़ें लेंगे जो मुझे खूबसूरत लगेंगी। सो वेल स्पेंड गर्मियों वाला दिन विद माई ब्यूटिफुली अगली फैमिली। मास्क लगा, मास्क मास्क की सदी बीमारी वाला दिन ने मैंने पता नहीं किया है किदा कि मेरी गड्डी च 10 पेशेंट है मरीज बंदे की बता तो ये सीक्रेटली एम्बुलेंस चलांदे हो तो ये इमरजेंसी सर्विस दंदे हो वो बूढ़े डिलीवर कर दे हो तो डिवाइड के एजेंट बड़े चतर चलाक होंदे आ। ओके वी आर होम स्वीट होम। सो हमारे बैकयार्ड के डेक पे अगर आप बैठते हैं तो आपको बहुत खूबसूरत सनसेट मिलता है। तो हमारी कोशिश होती है कि जब मौसम अच्छा है हम दोनों बाहर बैठ के खाना खाएं, चाय पिए या फिर सनसेट को देखें। तो आज ग्रॉसरी शॉपिंग के बाद घर आके मैंने और हस्बैंड ने यही काम किया। चाय पीने के लिए हमारा दिल नहीं था, एवं बैठ के हमने ना बहुत सारी गप्पे लड़ाई। और मुझे बहुत अच्छा लगता है पति के साथ गप्पे लड़ाना, लाइक पास्ट की चीज़ें बताना जो उनको ऑलरेडी पता होती हैं, पर मैं बार 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 रिकॉर्ड की तरह सेम चीज़ें बताती रहती हूँ और वो सुनते रहते हैं। मुझे लगता है कि ऐसे कन्वर्सेशन करने से मुझे एक अलग सा पीस मिलता है एंड हम दोनों एक दूसरे के साथ ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हैं। बेशक मैं वही बताई हुई बातें दोबारा से बताती हूँ, पर उनमें ये अच्छा है कि वो हर बार मेरी बात उतने ही प्यार से सुनते हैं, उतनी एक्साइटमेंट से कि अच्छा फिर क्या हुआ फिर क्या हुआ। अभी उनको सारा कुछ पता भी है फिर भी। सो अब बारी आती है डिनर की। मुझे तो इतनी भूख नहीं थी तो मैंने हिम्मत के लिए बनाया है पास्ता, क्योंकि उसका स्कूल है, उसे ये पास्ता बहुत अच्छा लगता है एंड वो कल इसको लंच में भी लेके जाएगा, क्योंकि अब लंच की भी मुझे चिंता करनी पड़ती है। और अगर आप ये पास्ता की रेसिपी जानना चाहते हैं मेरे कुकिंग चैनल पर है सिमोर कैन कुक, देख सकते हैं। अभी आएगी बारी किचन को समेटने की।
एंड हस्बैंड मेडिटेशन करके आए हैं तो मुझे वो प्रसाद दे रहे हैं. सो आई एम गोना टेल हिम आई एम रिकॉर्डिंग. Thank you so very much dosto for joining me for this journey today. If you find this video inspiring, please give this video a big thumbs up and consider subscribing for more family adventures in nature. Especially remember, no matter where you are, there's always an opportunity to connect with the green outdoors and your loved one. Until next time, stay mindful, make those core memories with your beautiful family and embrace the beauty of nature. Love you. And do not forget, guys, you're beautiful the way you are. Stay happy, confident, and strong. We guys can do any freaking thing. All you have to do is think about it and take action. Easy peasy lemon squeezy. I love you guys so very much. Bye bye.